हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि रिएक्ट जेएस में जो डेवलपमेंट बिल्ड होता है और जो आपका प्रोडक्शन बिल्ड होता है वो क्या चीज़ होता है और आपको वो क्यों बनाना होता है। तो अभी आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने अपना जो फ्रंट एंड का कोड था रिएक्ट जेएस में, जो कि मेरा डेवलपमेंट बिल्ड था, उसको जो मैंने ऑनलाइन कर दिया। ये ऑनलाइन आने भी लगा, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ओपन करके रखा है क्लाउड कंप्यूटिंग पर, जो होस्ट मैंने कर दिया। अगर आपके वेब ब्राउजर में जो रिएक्ट वाला प्लगइन इंस्टॉल है, जो कि ये बताता है कोई वेबसाइट रिएक्ट जेएस में बना है या नहीं, अगर वो इंस्टॉल है तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे इस तरीके से उसका आइकॉन दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कि ये जो आपका पेज है वो डेवलपमेंट बिल्ड जो है ऑफ रिएक्ट का यूज़ कर रहा है, तो इसे जो है डिप्लॉयमेंट से पहले, यहाँ पे लिखा हुआ कि डिप्लॉयमेंट से पहले से प्रोडक्शन बिल्ड जो है ज़रूर बना लीजिएगा। लेकिन हम लोगों ने देखिए डिप्लॉयमेंट किया लेकिन प्रोडक्शन बिल्ड तो बनाया ही नहीं, तो ये जो है एक तरीके से गलत है। और ये ऐसा आपको क्यों बनाना था वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, यहां पर जाके आप लिखेंगे रिएक्ट जेएस, ये मैंने लिखा प्रोडक्शन, लिखना है आपको प्रोडक्शन बिल्ड, ये आपको लिखना है, एंटर दबाना। यहां पे एक जो वेबसाइट का लिंक आएगा ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, जो कि रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आपको इसे ओपन करना होगा। इसके अंदर आप जाएंगे, एक बार आप इसको पढ़िएगा ऊपर से नीचे तक जो कि इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो जो हम लोग रिएक्ट जैसा कोड बनाते हैं उसमें क्या होता है कि आपका एरर रिपोर्टिंग ऑन होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हेल्प के लिए आपके तौर पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप ईजिली बना सकें, ईजिली एरर फाइंड आउट कर सकें, सारी चीज़ें कर सकें। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया CTRL शिफ्ट करके, ये देखिए यहाँ पे रेड रेड एरर आ रहा था, जो आपने देखा ये सब आ रहा था। तो जब आप प्रोडक्शन बिल्ड कर देंगे तो ये सारे एरर जो है गायब हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, डेवलपमेंट बिल्ड में ही ये आपको दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बंद हो जाएंगी प्रोडक्शन बिल्ड में। और साथ ही में क्या होता है कि डेवलपमेंट जो बिल्ड होता है उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि प्रोडक्शन में ज़रूरत ही नहीं होती और जो कि हमारे कोड को स्लो करती है। तो इसीलिए आपको जो है जब आप डिप्लॉय करते हैं तो आपको अपना जो रिएक्ट जैसा कोड होता है उसे प्रोडक्शन बिल्ड में कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि आपका कोड जो है फास्ट होता है, जो अननेसेसरी की चीज़ें वो हट जाती हैं, जो एरर रिपोर्टिंग यहाँ पर हो रही है वो बंद हो जाएगी, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, ये ना देख सके कि आपने अपने कोड में क्या लिखा है, कैसे बनाया है, तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हमें करना है और वो हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग को सबसे पहले ये एरर जो है वो रिजॉल्व करना होगा। इस एरर को रिजॉल्व करने के बाद के वीडियो में हम लोग जो प्रोडक्शन बिल्ड में अपने कोड को कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उस कोड को जो है हमें डिप्लॉय करना होगा, तो वो सब हम लोग अपने आगे की वीडियोस में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो इसको जो है एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी लिखा है ऊपर से लेकर नीचे तक आपको एक बार पढ़ लेना है, एक बार आप देख लीजिएगा और उसके बाद जो हम लोग अपने आगे काम करेंगे। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।